Hey guys, what's up? This is Innonix and I'm back with another series जहाँ पे मैं बात करूँगा म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में। हाँ, तो बेसिकली म्यूजिक प्रोडक्शन क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम मशीन में बैठ के थोड़ा सा पीछे जाना होगा इसको समझने के लिए। तो चलो, पहले एक सॉन्ग को बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि पहले तो भाई आपको स्टूडियो में जाना पड़ता था, मतलब एक स्टूडियो हायर करना पड़ता था, एंड उसके बाद उस सॉन्ग पे जो जो टोन या साउंड या जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा वो हर एक साउंड को हर एक इंस्ट्रूमेंट से अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता था। एंड उस रिकॉर्डिंग के टाइम में जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर होते थे, मतलब आप अगर कोई गिटार के साउंड ले लो तो एक गिटारिस्ट को वहाँ पे आना होगा, कीबोर्ड प्लेयर होगा, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पे अलग अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता था। एंड उसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ, एंड उसके बाद एक अरेंजर होते थे जो वो हर एक इंस्ट्रूमेंट के साउंड को अरेंज करते थे उस सॉन्ग के हिसाब से। उसके बाद वो ट्रैक अरेंज हो जाता था, मतलब एक म्यूज़िक क्रिएट हो जाता था। एंड म्यूज़िक अरेंज होने के बाद क्या होते थे कि वो जो सिंगर है वो सिंगर उसको सुन के उसका वोकल रिकॉर्ड करता था। हाँ, एंड उसके बाद उस वोकल को उस म्यूज़िक के हिसाब से अरेंज करना पड़ता था। एंड उसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ, एंड उसके बाद वो स्क्रैच भेजना पड़ता था एक मिक्सिंग इंजीनियर को। हाँ, तो उस मिक्सिंग इंजीनियर का काम था कि वो हर एक जो इंस्ट्रूमेंट होते थे, मतलब वो हर एक अलग अलग ट्रैक होता है ना, तो उसके हिसाब से उसको मिक्सिंग करता था। मतलब वो साउंड बैलेंसिंग होता है एंड बहुत सारे इन्हेंसमेंट का काम होता है, हर एक फ्रिक्वेंसी कट करना। तो हाँ जी हाँ, हर एक फ्रिक्वेंसी को कट करना, कौन सा मतलब म्यूज़िक में कौन सा, मतलब कौन सा साउंड में कौन सा फ्रिक्वेंसी का साउंड उसको चाहिए वो उसके हिसाब से करता था। तो मिक्सिंग का वीडियो मैं और किसी दिन और एक सेपरेट वीडियो में, मतलब एक डेडिकेटेड वीडियो में उसको शेयर करूँगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर एक वीडियो मिलता रहे। तो आते हैं हमारे मेन टॉपिक में। तो मिक्सिंग कंप्लीट होने के बाद वो ट्रैक फिर से जाते थे एक मास्टरिंग इंजीनियर के पास। वो मास्टरिंग इंजीनियर का काम क्या होता है हमको, तो मास्टरिंग इंजीनियर का काम क्या होता है कि उस ट्रैक को फाइनल एक मतलब एक फाइनल रिलीज रेडी करना, मतलब उस ट्रैक का लाउडनेस कंट्रोल करना, इन्हेंसमेंट करना, एंड जो जो एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी होता है उसको कट करना, मतलब एकदम ओवरऑल ट्रैक को रिलीज रेडी करना एक काम होता है मिक्सिंग तो ओवरऑल उस ट्रैक को रिलीज रेडी करना ही होता है एक मास्टरिंग इंजीनियर का काम। तो पहले इस प्रोसेस को फॉलो करके एक म्यूज़िक मतलब प्रोड्यूस होता था। तो अभी मैं इतना लंबा जो प्रोसीड्योर बोला, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन। जी हाँ, तो अभी भी ये सेम स्टेप्स एंड सेम चीज़ ही फॉलो होता है एक म्यूज़िक प्रोड्यूस करने के लिए, बट अभी वो प्रोसेस थोड़ा सा बदल गया है। अभी ये सेम चीज़ डिजिटली होता है, लाइक अभी हर एक जो साउंड होता है उसको एक स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता है। अभी वो हर एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब हर एक सॉफ्टवेयर आ गया है, हर एक VSTs आ गया है जहाँ पे उस सेम इंस्ट्रूमेंट को आप डिजिटली जनरेट कर सकते हो, मतलब साउंड को डिज़ाइन कर सकते हो, साउंड क्रिएट कर सकते हो, एंड उसको एंड उसके बाद उसको प्रोग्राम कर सकते हो ताकि आपके हिसाब से आप उसको क्रिएट कर पाओ। तो उसके लिए अभी बहुत एडवांस DAW आ गया है, मतलब डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन जो सॉफ्टवेयर होता है म्यूजिक को एडिट करने के लिए। जैसे आप एक फोटो को एडिट करने के लिए एक फोटोशॉप यूज़ होता है ना, फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, तो ऐसे ही म्यूजिक को एडिट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको DAW कहते हैं, मतलब डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन। अभी ऐसे एडवांस लेवल में बहुत सारा सॉफ्टवेयर आ गया है जहाँ पे आप घर बैठ के भी वो सारे चीज़ सेम चीज़ कर सकते हो। हाँ, अभी एक वोकल रिकॉर्ड करने के लिए अभी एक एकोस्टिक ट्रीटमेंट होना ज़रूरी होता है एक रूम पे, अगर आप मतलब बेडरूम में उसको रिकॉर्ड करना चाहो, अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए आप स्टूडियो में जा सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि अभी कि आपको एक स्टूडियो में जाना होगा, वो हर एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको रियल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये लंबा प्रोसीजर पहले फॉलो होता था, बट ऐसा नहीं है कि अभी भी वो चीज़ फॉलो नहीं होता है। हाँ, तो जो मतलब बड़ा लेवल का प्रोडक्शन होता है ना, तो वहाँ पे कुछ कुछ आर्टिस्ट का ऐसा टेस्ट होता है कि मेरे को उस इंस्ट्रूमेंट का टेस्ट चाहिए, तो रियल तो उस टाइम में वो स्टूडियो में रिकॉर्ड हो जाता है। बट अभी एक स्किल्ड म्यूज़िक प्रोड्यूसर एक वो सारा काम वो खुद ही कर सकता है, वो भी मतलब घर बैठ के कर सकता है। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा बेसिक एंड थोड़ा सा एडवांस लेवल का गियर चाहिए होता है। हाँ, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसके लिए बेसिक सा गियर भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा बेसिक गियर लाइक एक स्टूडियो रेफरेंस हेडफोन होना ज़रूरी होता है। तो ऐसे कुछ बेसिक सा चीज़ होता है जो एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर के पास होना चाहिए। तो आई होप कि म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया है, मतलब पहले कैसे प्रोड्यूस होता था एक म्यूज़िक, मतलब कितना लंबा प्रोसेस था। अभी वो सेम चीज़ ही होता है बट अभी इतना लंबा नहीं है, एंड अभी वो एडवांस लेवल का DAW के वजह से वो बहुत इजी हो गया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, एंड अगर आपके कोई भी दोस्त है जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है या तो कोई भी आर्टिस्ट है, सिंगर है, सॉन्ग राइटर है,
उसके साथ ये वीडियो शेयर करो। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज मिले इस वीडियो से, बट वो जो आर्टिस्ट लोग होता है या तो कोई सॉन्ग राइटर होता है, सिंगर होता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत मायने रखता है एंड उसको बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। तो आज के वीडियो में इतना ही था एंड इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए बाय।